आप सभी जानते हैं कि इंडिया को एंशियंट टाइम्स में सोने की चिड़िया कहा जाता था। नियरली 1700 सालों तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। इनफैक्ट कई एस्टिमेट्स के हिसाब से तो इस दौरान इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूशन रखती थी। इंडिया के ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग ऐसा था कि पूरी दुनिया का 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया में बनता था। प्रोडक्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल, शिप, स्टील, शुगर और ऑयल्स इंडिया से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे। वहीं इंडियन एग्रीकल्चर भी काफी प्रोग्रेस कर रहा था। क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस और बार्ले की खेती इंडिया में काफी हाई लेवल पे होती थी। हालांकि 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश राज के बाद इंडिया की जीडीपी काफी कम हो गई। इस दौरान इंडिया में बहुत डेवेस्टेटिंग फैमिन्स हुए जिसमें कई लोगों की डेथ हुई। जहां इंडिया किसी वक्त नियरली दुनिया का 30% जीडीपी शेयर रखता था, 1950 में यह सिर्फ 3% रह गया था। आपके हिसाब से आने वाले 100 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी होगी?